नमस्कार, पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीरज चुग आज के मुख्य समाचार के साथ। पूर्व संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा चंडीगढ़ में इनेलो में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व अभय सिंह चौटाला भी मौजूद। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। बैठक की अध्यक्षता में अध्यापकों की तबादला नीति में किया गया बदलाव। पराली जलाने पर पंजाब, हरियाणा और यूपी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूर्व जस्टिस लोकुर की अगुवाई में बनाई समिति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज जब पड़ोसी देश भारत को बुरी नजर से देख रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन से प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना के साथ आना होगा आगे। कृषि बिलों के विरोध में लघु सचिवालय सिरसा के सामने धरने पर बैठे हुए किसानों के एक गुट ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व बिजली मंत्री रंजीत सिंह के आवास को घेरने का किया असफल प्रयास। बड़ौदा उपचुनाव नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन भाजपा गठबंधन की ओर से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस की ओर से इंदुराज वे निर्दलीय डॉक्टर कपूर तथा इनेलो की ओर से जोगेंद्र मालिक ने नामांकन पत्र भरा। पंजाब के भीखीविंड में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या पर बवाल। भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष ने कैप्टन सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार सुरक्षा देते तो हत्या नहीं होती। जाखल नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर ने नगर पालिका कार्यालय के पंखे से लटककर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में 10 पार्षदों सहित 15 लोगों को मौत का जिम्मेवार बताया। विश्व में कोरोना वायरस मामले हुए 3,95,00,000 से अधिक और भारत में कुल मामले अब तक हुए हैं 74,00,000 से अधिक। तो जुड़े रहें पल पल के साथ, नई अपडेट्स लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।